रोज़ रोज़ ढेरों सारी मसालों वाली सब्जियां खा खा के अगर आज आप बोर हो गए हो और कुछ हल्का फुल्का बनाना चाहते हो बिना मसालों का और स्वाद में नंबर वन हो, तो आज मैं आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे हम कुकर में बनाएंगे बहुत ही कम तेल में और मात्र 5 मिनट के अंदर ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। तो चलिए आज इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 4 बैंगन ले लिया हुआ मैंने, जिसे अच्छी तरीके से मैंने छिल लिया हुआ है। आप चाहें तो बैंगन को यहाँ पर बिना छिले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद से मैंने लगभग 5 से 6 आलू लिए हुए थे, जिसे मैंने छिल करके इस तरह से 2-2 पार्ट्स में कट कर लिया हुआ है। अब जो बैंगन है उन्हें भी मैं बड़े बड़े भागों में कट कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे रफली इस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ, ठीक है। थोड़े मोड़े छिलके रह गए हों तो कोई बात नहीं है। उसके बाद से मैंने 2 प्याज लिया हुआ, उसे भी मैं पतले पतले पीसेस में कट कर रही हूँ। उसके बाद से मैंने हरी मिर्च ली हुई है, लगभग 3 से 4 लहसुन बड़ी वाली हरी मिर्च के हिसाब से होगी, मेरे पास छोटी वाली थी तो मैंने उन्हें कट कर लिया। अब हम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लेंगे। 1/3 टीस्पून इसमें मैंने मेथी डाली हुई है। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 चम्मच डाल रही हूँ। जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी हुई थी वो और प्याज दोनों को साथ में ही डाल देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसालों को, मतलब प्याज और लहसुन को भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भुनना है। देख सकते हो आप, इसी स्टेज पे मैं ऊपर से इसमें बैंगन भी डाल देती हूँ। जो हमने बैंगन कट करके रखा हुआ है उन सभी पीसेस को इसी के ऊपर, प्याज के यानी कि ऊपर हम रख देंगे, ठीक है। इसे हमें अभी चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस बैंगन को इस तरह से ऊपर से रख देंगे और साथ में आलूओं को भी। अब हम इसमें स्वाद अनुसार ऊपर से नमक छिड़क देंगे, चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इसे बस 1 मिनट के लिए ढक करके लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद इसे हम चेक कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, गैस की फ्लेम को लो रखिएगा 1 मिनट तक। चेक करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा चला लेते हैं ताकि ये तली में जल तो नहीं रहा है, तो देख सकते हो आप ये जल नहीं रहा है। बस जो हमने इसे ढक कर के रखा हुआ था तो इसमें भाप इकट्ठा हो गया है, उसी का थोड़ा मोड़ा पानी और सब्जियों का पानी इसमें हल्का फुल्का इकट्ठा हुआ है। अब हम इसमें देख सकते हो आप 1/2 कप से भी थोड़ी सी कम ही इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद से 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल लेंगे। हो तो डालिए, ना हो तो आप इसे बिल्कुल ऑप्शनल समझ सकते हैं, मतलब नहीं डालिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। 1 चम्मच हम इसमें टमाटो सॉस डालेंगे टमाटर की जगह पर। उसके बाद इसे बंद करके रख देते हैं हम, 1 विसिल लगने तक का वेट करेंगे। जैसे ही हमारा कुकर 1 सीटी लगा देगा, 1 सीटी बजाने के बाद इसके हम इसे ढक करके इसी स्टेज पे रख देंगे, छोड़ देंगे इसे। कुकर को तुरंत गर्मा गर्म नहीं खोलेंगे। जब कुकर का सारा प्रेशर अपने आप निकल जाएगा तब जाके हम कुकर को खोलेंगे। उसके बाद चला देती हूँ। देख सकते हो आप, इसमें पानी पानी दिख रहा है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये गीला हो गया है या फिर कैसा हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, ठीक है। आलू अच्छे से पक गया है, मैसर ले लेते हैं। 1 मैसर से इसे अच्छे से मैश कर लीजिएगा, ना हो तो घर में दाल वाली कलछुल होती है उससे मिला लेंगे तो अच्छी तरीके से ये मिल जाएगी। देख सकते हो आप, ये अच्छे से बन करके हमारी आलू और बैंगन का चोखा बन करके तैयार हो गया। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ आलू बैंगन का चोखा। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और सारी टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इस चोखे को गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खा सकते हो और लिट्टी के साथ भी, बहुत ही ज़्यादा खाने में ये स्वादिष्ट लगती हैं। तब तक हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, अपनी फैमिली को भी हेल्दी खिलाइए। और बहुत ही कम मसालों और तेल के साथ मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर शेयर की है। आप चाहें तो बहुत ही कम तेल और मसालों के साथ भी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जियां बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स की रेसिपीज़ भी हैं।